नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। उमरिया पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में आरोपी पटवारी पर पीड़ित के साथ दैहिक शोषण करने का मामला दर्ज किया गया है, जहां एक सप्ताह के भीतर आरोपियों पर दैहिक शोषण का यह दूसरा मामला पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है। इसके पूर्व में सेना में कार्यरत कर्मचारी पर दैहिक शोषण का मामला दर्ज किया गया था और आज पीड़िता की शिकायत पर चलिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व विभाग में प्रदर्श आरोपी पटवारी पर महिला थाना पुलिस के द्वारा दैहिक शोषण का मामला दर्ज किया गया है। वहां उमरिया पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि चंदिया थाना क्षेत्र में पीड़िता के द्वारा दैहिक शोषण मामले की शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करते हुए मामले की विवेचना पुलिस टीम द्वारा की जा रही है। गौरतलब है कि जहां एक ओर सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने की बात करती है, वहीं जिले में आए दिन आरोपियों द्वारा महिलाओं के साथ दैहिक शोषण एवं अन्य मामलों सहित घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा, जिसे महिलाओं में भय व्याप्त है। उमरिया से शंकर सिंह की रिपोर्ट। महिला थाना उमरिया में फरियादिया की रिपोर्ट पर एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। फरियादिया द्वारा ये बताया गया है कि आरोपी के द्वारा पढ़ाई के नाम पे और बाद में भी उससे लगातार दैहिक शोषण किया गया। इस पर पुलिस ने बलात्कार का प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर अभी विवेचना प्रारंभ की। उमरिया जिला के चलिया थाना में संज्ञान में आया है कि हल्का पटवारी के द्वारा एक महिला का दैहिक शोषण किया जा रहा था। उसके कंप्लेन पर चंदिया पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कर लिया गया है, उस पर कार्रवाई चल रही है। हमारा ये कहना है कि अगर शासकीय कर्मचारी हैं, वो जमीन पे काम करते हैं और लोगों की ऐसी आवश्यकताएं होती हैं, उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए अगर उनका किसी मजबूरी बस इस तरह की हरकत किया जाना नैतिकता के भी खिलाफ है और इस तरह की कार्य का मैं भर्त्सना करता हूँ। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि दोषी व्यक्ति जो भी इस तरह के पाए जाएं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कोई कुकृत काम न किया जाए। की रिपोर्ट थी जिस पर जो है पुलिस अधीक्षक उमरिया के माध्यम से महिला थाना प्रभारी को जो है निर्देशित किया गया और महिला थाना प्रभारी के द्वारा पीड़िता से उनसे पूछताछ करके और मामले पर पूरी तरह से कार्रवाई की जा रही है। दोषी व्यक्ति को सलाखों के पीछे जाना है और आए दिन इस तरह की घटनाएं न घटें, उमरिया सुरक्षित रहे, यहाँ की महिलाएं जो कि आदिवासी बेल्ट हैं वो भी सुरक्षित हों और इस तरह से पुलिस को भी कठोरतम कार्रवाई करनी। राज्य सरकार कहती है कि 376 के मामले में या कि महिला उत्पीड़न के मामले में पुलिस का जीरो टॉलरेंस रहेगा, वो कभी भी आरोपियों को बचाएगी नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। लेकिन तमाम ऐसे मामले आते हैं जब ये पता चलता है कि सरकार का कहना कुछ है और पुलिस थानों में कुछ और होता है। पुलिस ने उस व्यक्ति के विरुद्ध बलात्कार का अपराध दर्ज किया है। ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि इस तरीके से जो जिम्मेदार लोग हैं, जो समाज में जिनकी प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा है, वो ऐसा करते हैं तो समाज में अच्छा संदेश नहीं जाएगा। यदि ऐसा हुआ तो तत्काल पुलिस उनको पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूर्व में एक हफ्ते पूर्व बिलासपुर चौकी थाना अंतर्गत एक दहेज शोषण के मामला का उजागर किया गया, जिसमें एक सैनिक था जो 4 साल के लड़की का दहेज शोषण कर रहा था और शादी से मुकर गया। तब जाके उन्होंने थाने पे शिकायत कराई और उस पर कार्रवाई की गई। जरा आज ही का मामला है जो चलिया थाना अंतर्गत आता है और उसमें एक पटवारी इन्वॉल्व है जो दहेज शोषण करते चले आ रहे थे और ये इसका कारण है कहीं ना कहीं ये अनैतिक जो कमाई का साधन होता है और ये उन्हीं के चलते इस प्रकार की क्रियाओं में लिप्त हो जाते हैं। और समाज चाहता है कि पुलिस द्वारा इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जावे, जिससे समाज में सुधार लाया जा सके और ऐसे व्यक्ति के ऊपर अंकुश लगाया जा सके। का तो इस तरह की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश में कानून है और बहुत कड़ा कानून है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कानून ही पर्याप्त नहीं है, इसके लिए सामाजिक तौर पर जागरूकता की आवश्यकता है। जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक इस तरह के अपराध नहीं रुकेंगे। देखने में आया है कि जब से
ये दैहिक शोषण के कानून में और कड़ाई की गई है और कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, उतना ही अपराध और बढ़ता जा रहा है। तो कानून के साथ साथ जागरूकता भी जरूरी है, तभी इस तरह के अपराध रुक पाएंगे। मैं ये मानता हूँ कि जो शिकायत पुलिस को मिली है महिला की तरफ से, उस पर वो तत्परता के साथ, निष्पक्षता के साथ उसकी जांच करेंगे और जो दोषी है उस दोषी को के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है, जो उचित कार्रवाई है वो की जाए। ये जो दैहिक शोषण के मामले आ रहे हैं, लोग महिलाओं को प्रलोभन दे करके और उनके साथ ऐसे गंदे कृत्य करते हैं, उनसे पटवारी के द्वारा प्रॉमिस करके और उसकी जिंदगी से खेला गया, आज वो महिला दर दर भटक रही है। दूसरा, ये फौज का जवान और इसने इस तरह का कृत्य कारित किया है, किस महिला को लालच दिया शादी का और उसके साथ गलत कार्य किया, जबकि आप लोगों को पूरा नॉलेज है, ज्ञान है कि इन ऐसे कृत्य करने से समाज में क्या परिस्थिति बनेगी, कि किसी की मदद करने की वजह से आप ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि समाज के लिए बहुत ही घिनौना है, और आगे समाज किस दिशा में जाएगा इस पर विचार करना चाहिए और पुलिस प्रशासन इसमें जो पूरी मदद करने का प्रयास करता है उसका सहयोग करें, और अच्छे से न्यायालय में बयान होंगे तो निश्चित रूप से उनके द्वारा किए गए ऐसे कृत्यों का दंड उनको भरना ही पड़ेगा। शोषण के विरुद्ध हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने एक बहुत अच्छी पहल करते हुए और महिलाओं की मदद करने का प्रयास किया और मामला पंजीबद्ध किया और उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा ऐसे कृत्य करने वाले को। और मैं निवेदन करती हूँ कि जिन भी महिलाओं के साथ ऐसी घटना कारित होती उसको हौसला के साथ, हिम्मत के साथ न्यायालय में अपना बयान और कथन करें, जिससे ऐसे आरोपियों को न्यायालय दंड दे सके।